कहता अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, मतलब कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, इस प्रकार से हमें देखना होता है। आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, दो नंबर हमेशा याद रखते हैं, 4 और 9। कौन से दो नंबर बोले हैं? 4 और 9। 4 और 9, 4 और 9, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 4 प्लस 9 अपॉन 2, ये कितना होता है? 6.5। हाँ बेटा, यस सर। 13 अपॉन 2 इज 6.5। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? 4 × 9√6, ठीक है। तो कौन सी संख्या बड़ी है? ये सर एम अरिथमेटिक मीन। याद रखना, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इस प्रकार से चेक कर देना है आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। अब अगर इसको हम बोलते हैं ए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। आपको कोई भी दो संख्या है उनका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, और आपको बोला गया है फाइंड ए एंड बी, ए और बी क्या होंगे ये पता करो, ठीक है। सो हाउ डू वी डू दिस? तो इसमें से ए को या बी को आप एलिमिनेट करोगे, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दो, या यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, फिर आपके पास ए और जी में एक रिलेशन बन जाएगा। वो रिलेशन को यूज करके फिर आप शो कर सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे उसको अभी करेंगे। कहते इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर 10 और 8 रिस्पेक्टिवली, ए इज इक्वल टू 10, ये 10 है और ये 8 है, 10 और 8 रिस्पेक्टिवली फाइंड दी नंबर, तो नंबर फाइंड करो। ठीक है, अभी यहां से क्या मिला हमें? ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 हो गया, और यहाँ से ए बी क्या मिला हमें? 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ये समझ में आ रहे? यस सर। ठीक है, नाउ व्हाट ए इज इक्वल टू 64 अपॉन बी, ठीक है बेटा, बी के नीचे ले आए और ये ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 64 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू 20। अब इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 64 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बी में आपके पास बी स्क्वायर -20b +64 = 0, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। तो क्या आएंगे इसके फैक्टर्स? हाँ बेटा, 20 के क्या फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पे? सर एक मिनट। यस, बेटा टेबल याद नहीं तेरे को, है ना? सर 16, 16 और 4।
16 और 4 16 4 64 होता है, एकदम से आना चाहिए। 20 के टेबल्स के अंदर अगर चीजें आ रही हैं तो एकदम से आना चाहिए, नहीं तो टाइम उसमें बचता है, नहीं तो खराब होता है। एनीवे 16 और 4 ये दो फैक्टर बनेंगे इसके, इसको सॉल्व करो, क्या क्या आता है सॉल्व दीज, बी की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास दो। सर 4 और 6 आ रही है, वैल्यू 4 और 6 आ रही है, सॉरी 4 और 16। हाँ 4 और 16 यही दो टर्म्स आएंगे। तो अगर ए की वैल्यू 16 है तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, और अगर बी की वैल्यू आपने 16 ले ली तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। सो दीज टू नंबर्स विल बी देयर। आया समझ बेटा? यस सर। ओके, इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूं।